हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, मतलब कोई नंबर दिया हुआ रहे और क्वेश्चन रहे कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 5 से डिविजिबल होंगे कि नहीं, या फिर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, पहले हम लोग जानेंगे तब ना डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, उसका नियम जानेंगे तब हम बता देंगे तुरंत बिना डिवाइड किए हुए। ठीक है, बिना डिवाइड किए हुए हम बता देंगे कि डिविजिबल होगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी नंबर का उसका वंस डिजिट पे उस नंबर का वंस डिजिट पे क्या रहना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इस पांच में से कोई एक नंबर रहेगा, 0, 2, 4, 8, 2, 6 भी रहे। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। डिविजिबल करने का मतलब कि रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आएगा, नीचे 0। ठीक है, नाइन एट वन सिक्सटीन। ठीक है, मतलब नीचे कुछ नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 8, 2, 6 कोई भी रहे तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से देखेंगे, कोई नंबर दिया हुआ है आपको बोलेगा, देखिए ये नंबर दिया हुआ है, बोलेगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 9, वंस डिजिट पे क्या है, 9। तो 9 जब रहे लास्ट में तो डिविजिबल नहीं होंगे। तो हम 3 से डिविजिबल करने के लिए क्या देखते हैं, इसको प्लस करते हैं, जितना भी डिजिट है सबको प्लस करेंगे। 3 + 9 9, +3 12 + 9 21। तो 21 क्या है, 3 से डिविजिबल है। जब सब को डिजिट को सम करते हैं, जितना सम आता है, ध्यान से सुनिएगा, सब डिजिट का सम करते हैं और जितना सम आता है उस सम को हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, देन दिस नंबर इज, अब इतना बहुत बड़ा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे टर्म में जगह, तो इस सब का सम करेंगे, 3 + 4 7 + 3 10 + 8 18। तो 18 डिविजिबल है, हम जानते हैं टेबल में भी आता है 3 का, तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है। इसका भी सम करेंगे, इसका भी सम करेंगे, सब डिजिट का सम करेंगे। ठीक है, सब डिजिट का सम करेंगे, 3 + 5 8 + 6 14 + 8 14 + 8 22 + 2 24 24 is divisible by 3 8 times then this number is divisible by 3। देखिए 4 + 3 + 2 9 + 2 11 + 1 12 then this number is divisible by 3। ठीक है, अब test of divisibility by 4, test of divisibility by 4। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी नंबर को क्या होना चाहिए, उसका हम वंस डिजिट पे देखेंगे और टेंस डिजिट पे देखेंगे। वंस और टेंस डिजिट वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो नंबर कितना भी डिजिट का रहे, कितना भी डिजिट का रहे, वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखिए वंस पे 2 है, 3 और टेंस पे 3 है, तो ये कितना हुआ, 32, एंड 32 इज डिविजिबल बाय 4, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ देखिए 56 इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ 96, यहाँ 08, तो 0 को नहीं देखेंगे 8, अब 0 से कोई नंबर हम डिवाइड करते हैं नहीं, 08 ऐसे लिखेंगे हम कभी नहीं, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तो डिविजिबल है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, 08 भी रह सकता है, 04 भी रहे। ठीक है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हम 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखेंगे कि वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 8, 6 रहे तो नंबर क्या है, डिविजिबल है 2 से, और 3 के लिए तो हम जितना भी डिजिट है उसका सम करेंगे, जितना भी डिजिट है उसका सम करेंगे, और 4 के लिए हम वंस और टेंस डिजिट पे देखेंगे। वंस और टेंस डिजिट वाला नंबर अगर डिविजिबल है 4 से तो नंबर पूरा डिविजिबल होगा, पूरा नंबर डिविजिबल होगा। वंस और टेंस डिजिट वाला 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, और 5 से बहुत इजी है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 एंड 5। देखिए वंस डिजिट पे 5 है, देन ये नंबर डिविजिबल है 5 से।
वन डिजिट पे 5 है देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, वन डिजिट पर 0 है देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, वन डिजिट पर 5 है देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, वन डिजिट पे 0 है देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब देखिए यहां पर है 1962, तो ये कभी नहीं 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, कभी नहीं, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ शेष आ ही जाएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। डिविजिबिलिटी कहने का मतलब कि एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। जैसे 1967, तो ये 5 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि वंस डिजिट पे इसका क्या है 7 है, और वंस डिजिट पे क्या रहना चाहिए 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 या 5 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए 0 या 5 रहना चाहिए, 0 या 5 रहना चाहिए, ठीक है, 0 या 5 रहना चाहिए। अब हम 6 का देखेंगे, 6 का डिविजिबिलिटी ऑफ 6 किसका देखेंगे, 6 का अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, 6 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो उस नंबर का क्या होना चाहिए, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, डिविजिबल बाय 2 and 3 दोनों से वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। जैसे देखिए 36 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है, 216 देखिए 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 1 डिजिट पे 6, अब 3 से डिविजिबल होगा तो क्या करेंगे, सब काम सम करेंगे, तो क्या आएगा 9, 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, पहले हमें 2 से डिविजिबल है और उसके बाद देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सब डिजिट को ऐड करेंगे, 2 + 6 = 8 + 5 = 13 + 3 = 16, तो 16 तो नहीं डिविजिबल है 3 से, तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब मान लीजिए हमें 4 आता तो 6 से डिविजिबल हो जाता क्योंकि तो इसका सम आता 15 एंड 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी ये डिविजिबल है, ठीक है, तो से भी ये डिविजिबल है। अब नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो, ठीक है। और 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 7 से इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 तो क्या होना चाहिए उस नंबर को, उस नंबर को जैसे देखिए 6, 8, 0, 4 अगर नंबर दे दिया गया आपको, बोलेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं बताइए, तो आप क्या करिएगा इसमें 2 से गुना करिएगा, वंस डिजिट में जो नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, एंड जो रिमेनिंग बचा 6, 8, 0 उसमें 8 से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा इतना 672। अरे जो नंबर रिमाइंडर आया वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 7 से डिविजिबल है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे उसको, जैसे देखिए यहां पे 7 से डिविजिबल होने के लिए यहां देखिए 77 है, हम छोटा सा बता रहे हैं 77, ठीक है, तो 77 का लास्ट में क्या है 7, तो 7 × 2 देन 14, तो 14 इसमें से क्या हम 14 - 7, अगर ये जो डिजिट बचेगा उससे ज्यादा आ जाए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए तो इससे माइनस कर देंगे इसको, देन 7, तो 7 से डिविजिबल है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है।
देखिए थ्री फोर थ्री थ्री फोर थ्री, ए नंबर थ्री से डिविजिबल सेवन से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सिक्स आ गया, तो 34 माइनस सिक्स क्या होगा 28, तो 28 डिविजिबल है सेवन से फोर टाइम्स, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा सेवन से डिविजिबल होगा। सेवन से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, वन डिजिट पे जो नंबर आएगा उसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे माइनस करेंगे, और जो माइनस करने के बाद आएगा उसको हम सेवन से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो सेवन से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्ट देन होल नंबर जो दिया हुआ रहेगा वो सेवन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी बाय 8 देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3, 4, 6, 8, 2 ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, आप पूछेगा कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम 1, 10 और 100 ये तीनों डिजिट को देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 6, 8, 2 तीनों 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या रहता है, 8, 2 नहीं रहता, 8, 0 रहता, 8, 0 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाता, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, तो क्या करेंगे 8 से जब डिविजिबल पूछे तो क्या करेंगे, जैसे देखिए 5, 6, 7, 8, 2 अब कोई पूछे कि नंबर 8 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों को 8 से डिवाइड करेंगे, ये तीनों को 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तीनों को 8 से डिवाइड करेंगे, तो नहीं होना है डिविजिबल 8 से। अब यहाँ पे 2 नहीं रहता, क्या रहता है यहाँ पे, 8 और 2 नहीं रहता, क्या रहता है यहाँ पे 7 and दूसरा हम लोग कहते हैं 7, 9, 1, 5, 2 तो ये तीनों को हम डिवाइड करके देखेंगे 8 से 1, 5, 2 8, ठीक है, तो मतलब 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, 1, 10 और 100 डिजिट को, 100 प्लेस पे जो डिजिट रहेगा वो तीनों को हम डिवाइड करके देखेंगे, और वो तीनों अगर डिवाइड हो जाएगा तो होल नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम 9 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, 9 से, तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए देखिए 3, 6, 3, 5, 4 ठीक है, तो नंबर दे दिया गया, कोई पूछेगा कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 3 में हम लोग क्या करते थे, कोई पूछता था कि 3 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करते थे तीनों का चारों का सम निकालते थे, और सम डिविजिबल आता था 3 से, तो नंबर डिविजिबल हो जाता था 3 से, तो 9 में भी वैसा ही करेंगे, इसका सम निकालेंगे, तो इसका सम कितना हो जाएगा 3 + 6 = 9 + 3 = 12 + 5 = 17 + 4 क्या आ जाएगा 21, तो 21 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये क्या होगा डिवाइड नहीं होगा 9 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डिजिट रहता है 3, 6, 3, 5, 4 और क्या 6, तो ये क्या आ जाता है इसका सम 27, इसका सम क्या आ जाता 27, तो 27 क्या है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 27 क्या है 9 से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे 6, 5, 4, 0, 3 इसका सम निकाल लेते 6, 5, 11 + 4, 15 + 3, 18 तो 18 क्या है 9 से डिविजिबल है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबिलिटी के लिए और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए दोनों में हम डिजिट का सम निकालते हैं, और डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होता है, या 3 का पूछे तो 3 से डिविजिबल होता है, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हम 10 से देखेंगे, 10 का तो बहुत आसान है, 10 का सो इजी है, 10 का बहुत आसान है। ठीक है,
के लास्ट में अगर जीरो लगा रहे, लास्ट में अगर जीरो लगा रहे तो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट, वंस डिजिट पे अगर जीरो रहे तब 10 से डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर हैव वंस डिजिट इज जीरो, अगर कोई भी नंबर का डिजिट वंस प्लेस में जो डिजिट है वो जीरो रहे, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10 एंड 11 से। अगर कोई भी नंबर को देखना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम कैसे देखेंगे 11 से डिविजिबिलिटी के लिए, देखिए ये नंबर दे दिया गया, आप बोलेगा कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए एक कितना पोजीशन पे है, 1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 3 प्लेस पे, 4 प्लेस पे, 5 प्लेस पे, तो जो ऑड प्लेस पे है, 1 प्लेस वाला 8 7 9, ठीक है, और इधर क्या आया 2 एंड 0, तो इसका सम क्या है 24, इसका सम क्या है 2, तो 24 माइनस 2 22, तो 22 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। देखिए 8 6 3 4 2 3 8 6 3 4 2 3 8 6 3 4 2 3, हम लोग क्या करेंगे इसको पहले, देखिए 1 2 3 4 5 6, और जो ऑड प्लेस पे है उसको अलग लिखेंगे, जो इवन प्लेस पे है उसको अलग लिखेंगे। जैसे देखिए ऑड प्लेस में क्या है, 3 है, 4 है और 6 है, इवन प्लेस में क्या है 8 3 और 2, सबका सम निकालेंगे, इसका सम क्या आएगा 13, इसका सम क्या आएगा, इसका सम है 13, ठीक है, तो 13 माइनस 13 0, 13 माइनस 13 0, तो क्या करेंगे ऑड प्लेस वाले नंबर डिजिट्स को इवन प्लेस वाले डिजिट का सम निकालेंगे, एंड सम अगर 11 आए या फिर 0 आए या फिर जो सम आए, यहाँ पे 22 आया, 22 मतलब 11 का डिविजिबल आए, तो वो नंबर पूरा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, नंबर पूरा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए 7 6 8 4 4, क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको 1 2 3 4 5, मतलब इसका प्लेस हम बता देंगे, ठीक है, और 1 प्लेस वाला, 3 प्लेस वाला और 5 प्लेस वाला को अलग लिखेंगे, मतलब इवन प्लेस वाला को अलग और ऑड प्लेस वाला को अलग, ठीक है, 4 3 और 5, इसका सम कितना आया 4 3 5, इसका कितना सम आया 12, और ऑड इवन प्लेस वाला का सम 10, इवन प्लेस वाला का सम 10, ठीक है, देखिए 4 और 8 क्या हो गया 12 और 7, 4 8 और 7 ये क्या आएगा 19 आएगा और ये 10 आएगा, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा 9, तो 9 नहीं डिविजिबल है 11 से, तो इसलिए क्या होगा ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, पहले कोई भी नंबर दिया रहे उसको हम क्या कर लेंगे, जैसे देखिए वो सिंपल होता है 1 2 1 1 2 1, तो 1 और 2 ये 1 प्लस पे 5 प्लस पे है, तो 1 प्लस 1 क्या है 2, और ये इवन प्लस पे है 2, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0, तो जब भी 0 आए डिफरेंस या 11 आए या 11 का डिविजिबल आए तब वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल हुआ। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी, क्या देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि मान लीजिए 36 है, 36 तो 36 क्या है 12 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 टाइम्स है, तो 12 का जो भी फैक्टर है, 12 का फैक्टर क्या है 1 2 3 4 6 12, तो ए ऑल नंबर से क्या होगा 36 डिविजिबल होगा, ए ऑल नंबर से क्या
36 डिविजिबल होगा। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ कि कोई भी नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उस नंबर का जितना भी फैक्टर रहेगा उससे वो नंबर भी डिविजिबल होगा, उससे वो नंबर भी डिविजिबल होगा। और सेकेंड में क्या है देखिए, यहाँ पे 5 और 3 3 और 5 से क्या है 15 डिविजिबल है ना, 45 डिविजिबल है, 15 डिविजिबल है और 60 डिविजिबल है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 15 आएगा, तो 15 से ये डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा। कहने का मतलब कि दो नंबर से अगर कॉमन कोई डिविजिबल है, ये सब कॉमन ही है ना जो डिविजिबल है, ऐसे अगर 5 से 10 डिविजिबल होता है, 3 से नहीं होता है, लेकिन ये सब कॉमन है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा ना वो भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा, वो भी उस नंबर को क्या करेगा डिवाइड कर देगा। ठीक है, सेकेंड क्या है प्रॉपर्टीज, जैसे देखिए 15 5 से डिविजिबल है, फिर 20 भी डिविजिबल है, तो 15 और 20 का सम 35, ये भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, ये भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे देखिए 10 प्लस 20 30, तो 10 और 20 क्या है 10 से डिविजिबल है और 30 भी 10 से डिविजिबल है, तो दो नंबर का सम जो आएगा और दो नंबर जो रहेगा जिसका हम सम करेंगे वो कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर, तो उसका सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा और ये माइनस भी मिलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 35 था 5 से डिविजिबल था और 20 भी 5 से डिविजिबल था, तो दोनों का डिफरेंस 15, तो 15 भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 15 भी 5 से डिविजिबल है, तो आप लोग समझे होंगे आज क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, 11 तक, तो 11 तक हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट जान जाते हैं, हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है आगे चलते। अभी क्वेश्चन में आएगा आप लोग को 3, 6, 5, 4, यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, अब बोलेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो इस पूरे नंबर को, कौन सा डिजिट आएगा जो इस पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल बना देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब को प्लस कर लेंगे। ठीक है, 3 प्लस 6 प्लस 5 तो क्या आ जाएगा 14, तो यहाँ पे 1 आएगा तो इसका सम हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9 प्लस 6 15, 1 आ जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 का भी पूछ सकता है ऐसे, किससे कब पूछ सकता है, 9 का भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इस सम का सम कितना है 14। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा तो इसका सम क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। और 7 का आप लोग समझे, 7 में से क्या करेंगे, जो नंबर 1 डिजिट पे रहेगा, जो नंबर 1 डिजिट पे रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को केवल, तो 8 आएगा, और जो बचेगा उससे फिर माइनस करेंगे, उससे फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा इतना, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से ही अगर डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्ट, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। ठीक है, डिविजिबल बाय 7। और 11 के केस में क्या करेंगे, 11 के केस में जो वंस डिजिट, जो ऑड डिजिट पे रहेगा और जो इवन डिजिट पे रहेगा उसको अलग अलग लिख लेंगे और दोनों का सम निकालेंगे, सम नहीं डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस 0 आए या 11 आए, ये 11 का डिविजिबल आ रहा। ठीक है, देन उस नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो आज आप लोग